नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी है स्टूडेंट, उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और साथ में जो पेपर बाकी रह गया था जीके का, उसकी भी तैयारी। अब देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो हमने स्टूडेंट की जो क्वेरीज थी कि सर सीट्स बहुत कम है संस्कृत विभाग के इस सेकेंड ग्रेड के अंदर, तो क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है जो हमारे दिमाग में रहे। तो हालांकि स्टूडेंट पिछला जो पेपर कंडक्ट हुआ है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो के लिए उसके हिसाब से तो सेफ स्कोर कहना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसके हिसाब से सारे सेफ स्कोर धराशायी हो गए। लेकिन अगर पेपर जैसा 2016 में आया संस्कृत विभाग का, 2018 में आया स्टूडेंट, अगर उसी नेचर का आएगा तो मैं आपको सेफ स्कोर काम कर पाएगा। अगर नहीं तो जो टफ जो पेपर आ गया तो स्टूडेंट ये सेफ स्कोर वगैरह सब बातें खत्म हो जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट सेफ स्कोर बता देते हैं आपको कि आपकी तैयारी कम से कम इस लेवल तक तो होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सीट्स बहुत कम है इस बार, है ना। संस्कृत विभाग की पिछली बार से जस्ट एकदम आधी सीट्स ही है ना। तो अगर आपको इसके लिए स्टूडेंट काफी मेहनत करनी पड़ेगी मेरिट में आने के लिए, केवल 40% से काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। पेपर अगर 16 और 18 में आया, अगर इसी नेचर का आता है स्टूडेंट, तो काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि जो गलतियां आपने 26 तारीख को की है मैथ्स के पेपर सॉल्व करते समय स्टूडेंट, वो गलतियां आप नहीं दोहराए, ये सबसे बड़ी बात है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रश्न आप कर सकते थे और जो आपको आता था स्टूडेंट, वो भी बहुत से स्टूडेंट गलत करके आ गए, बस उन्हीं गलतियों को आपको कम करना है। स्टूडेंट देखिए, सिलेक्शन का एकमात्र तरीका यही है कि अगर आपने 80 प्रश्न किए हैं तो स्टूडेंट उसमें आपकी एरर जो है वो 10% से अधिक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने 70 क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट, तो यहां आपने अगर 10% से अधिक अगर आपकी एरर आ गई है, मतलब कि आपने यहां अगर 7 प्रश्न से ज्यादा अगर आपने गलत कर दिया स्टूडेंट, तो आप 7 जो आपका क्राइटेरिया स्टूडेंट वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जितने भी क्वेश्चन सही हुए स्टूडेंट, उसमें से आपको गलत क्वेश्चन है वो मिनिमम टू मिनिमम होने चाहिए, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो सके। बस ये आप विशेष बात ध्यान रखनी है, आपकी तरफ से जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपने पिछले पेपर से सीखी होंगी, बस उनको दूर कर देना है। आपने मेहनत भी की है, क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपने पिछली बार दोहराई थी, क्या आप प्रश्नों को ढूंढ नहीं पाए, ये सबसे बड़ी बात थी पिछले पेपर में। 26 तारीख वाले में पेपर कई बार ठीक है कठिन था, लेकिन वो कठिन बनाया जाता है कई बार अपनी तरफ से भी, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो बीच बीच में बिखरे हुए थे सरल सरल से, वो आप पकड़ नहीं पाए या उनको समझ नहीं पाए, क्योंकि आपने एक अपनी तरफ से धारणा बिठा ली कि पूरा पेपर ही कठिन आ गया है तो अब क्या किया जाए। तो ऐसे में जो क्वेश्चन सरल थे स्टूडेंट, वो आप नहीं पकड़ पाए, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं ढूंढ पाए। वो जब घर पर आए, उन्होंने शांत चित्त होकर के चीजों को देखा, है ना, तब वो प्रश्न को समझ पाया, अरे यार ये प्रश्न तो मैं कर सकता था, अमुक ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था, लेकिन मैं वहां नहीं कर पाया, ठीक है। तो सारा काम जो स्टूडेंट अपने आप को आपको शांत चित्त रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट पेपर के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए अपन अब शुरू करते हैं कि भाई सेफ स्कोर क्या रह सकता है अगर 2016 और 2018 जैसा ही पेपर आता है स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के अंदर सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के अंदर सेफ स्कोर आपको हो सकता है 215 से 218, है ना, 215 से स्टूडेंट 218 का आपका सेफ स्कोर होना चाहिए एसटी कैटेगरी के अंदर, मेरे ख्याल से इन सीट्स के अंदर, क्योंकि सीट्स की संख्या बहुत ही कम है स्टूडेंट। देखिए एससी कैटेगरी में कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है आपके 230 से 232, 230 से 232 स्टूडेंट। देखिए ओबीसी में स्टूडेंट कितना होगा, तो स्टूडेंट देखिए ओबीसी में आपका हो जाएगा 250 से 252, क्योंकि सीट्स बहुत कम है स्टूडेंट, है ना, 250 से 252 स्टूडेंट, ये मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर होना चाहिए। पेपर अगर कठिन स्तर का नहीं आता है और जैसे 16 और 18 में आया, अगर वही स्तर वही लेवल फॉलो करता है स्टूडेंट, तब मैं ये पूरा आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मेरे ख्याल से 258 टू 260 यहां तक तो मेरिट जानी चाहिए, है ना,
258 टू 260 तक मेरिट आपकी जनरल तक जानी चाहिए, मतलब जिसकी भी स्टूडेंट 260 प्लस आ जाएंगे मेरे ख्याल से वो काफी सेफ रहेगा पेपर अगर उसी नेचर का आता है, क्योंकि जीके के पेपर तो एक एक जैसा कंटिन्यूस मॉडल चला ही जा रहा है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन सरल आते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, तो मिला जुला करके वो एक अच्छा पेपर बन जाता है। खास सारी जो कहानी है वो मैथ्स की ही है, ठीक है। तो सर मेरे हिसाब से ये, और बीच में एक ईडब्ल्यूएस छूट गया स्टूडेंट, तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो पिछले कुछ समय से देखी जा रही है कि वो ओबीसी से कम जा रही है राजस्थान में, जबकि अदर स्टेट्स में देखी जाए तो वो ओबीसी से ऊपर जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने देखी है पिछले एक डेढ़ साल में, कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट जो स्टूडेंट वो राजस्थान के अंदर ओबीसी से कम जा रही है। लेकिन मैं अगर अदर स्टेट की बात करूं, लाइक मैं अगर यूपी की बात करूं, मैं अगर दिल्ली की बात करूं, वहां जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं पिछले एक डेढ़ साल के अंदर टीजीटी पीजीटी के, तो स्टूडेंट वहां पर ओबीसी से मेरिट हाई गई है, लेकिन अपने यहाँ ओबीसी से डाउन गई है। आप पिछला पूरा फर्स्ट ईयर देख लें सभी में लगभग डाउन थी, कॉलेज लेक्चर में देख लें तब भी डाउन चली गई थी स्टूडेंट, ठीक है। ये एक बड़ी विचित्र सी बात है। तो अगर स्टूडेंट अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट, तो मेरे लिए स्टूडेंट वो है आपके 241 से लगा करके और 243 तक, ये मेरे हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा आपका संस्कृत विभाग के लिए, ठीक है। बाकी आपको लगातार तैयारी करते जानी है, एक फ्लो में आपको बने रहना है, क्योंकि 2023 में स्टूडेंट आपके काफी बड़ी संख्या में नई भर्ती की घोषणा हो जाएगी बजट में मेरे ख्याल से, ठीक है। और यहां तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट एग्जाम भी आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर लास्ट में इसी साल चुनाव के पहले जरूर हो जाएगा, जैसे कि 2018 में भी हो चुका था, 2018 में स्टूडेंट वो आपके अक्टूबर लास्ट में एग्जाम हो गया था। तो स्टूडेंट आपके पास समय कम रहेगा तो तैयारी में लगे रहिए, है ना। अब बिल्कुल ढील देने का समय नहीं है और आलसी बनने का समय चला गया है, लगातार आप तैयारी करते रहिए स्टूडेंट, सफलता जरूर मिलेगी। जो स्टूडेंट पीछे पुराना पेपर कठिन देख करके रुक गए हैं स्टूडेंट, ऐसा आपको रुकना नहीं है, पेपर कठिन और सरल आता रहता है चलता रहता है, लेकिन आपकी तैयारी एक साथ चलती रहेगी तो आपका सिलेक्शन 2022 का पेपर कठिन हो तो कोई दिक्कत नहीं, 40% नहीं बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 2023 में जरूर आपको मौका मिलेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो उसमें संस्कृत विभाग के पेपर को आप केवल घूमने फिरने के दायरे से बाहर रखिए कि यार चलो अमुक सेंटर चित्तौड़ आ गया, जयपुर आ गया, उधर तो कोई नहीं तो घूम तो आएंगे स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। आप इसकी गंभीरतापूर्वक तैयारी कीजिए, है ना, और गंभीरतापूर्वक ही आपको उसको देके आना है, है ना, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। उसको केवल आप टूरिज्म के पर्पज से नहीं देखें संस्कृत विभाग वाले को, सीटें इतनी कम है क्या होगा, कई बार स्टूडेंट सीटें कम होती तब भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ी गंभीरता, थोड़ी सिंसियरिटी, थोड़ी सी अटेंशन दिखानी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक सीट चाहिए वो आपको मिल जाती है। क्वेश्चन का न्यू ईयर ऑफर चल रहा है स्टूडेंट, आपका अभी भी हमारे ऊपर पूरा विश्वास है, ये देखकर के बहुत खुशी हो रही है, और कई स्टूडेंट को इससे पिछला जो पेपर हुआ उससे भी फायदा हुआ है स्टूडेंट, और हमारी ये कोशिश है कि इसमें और भी मैं चेंज कर रहा हूं और जल्दी ही कुछ और नए क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करूंगा, 300 और एक 1500 क्वेश्चन की बुकलेट तैयार करूंगा जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही इक्विवेलेंटली यूजफुल होगी। सुन आज वीडियो में इतना ही, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, ओके थैंक्स, धन्यवाद।